सदस्यगण से माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें, और बस इतना ही हमारा कहना है कि दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधानसभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। सदन को सूचना, 14वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2005-06 के प्रथम प्रतिवेदन की गई संस्तुतियां एवं 18वीं विधानसभा की विशेषाधिकार समिति 2022-23 की दिनांक 7 फरवरी 2023 व 27 फरवरी 2023 की बैठकों की में की गई संस्तुतियां। आपस में बात नहीं, प्लीज इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आप आपस में बात करें। 2023 की बैठकों में की गई संस्तुतियों के अनुपालन में एक श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर, दो श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, तीन श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, चार श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, पांच श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, छह श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना अध्यक्ष कानपुर नगर को आदरणीय सदन के दंड हेतु उपस्थित किया जाएगा। विशेषाधिकार की अवहेलना एवं आदरणीय सदन की अवमानना के लिए दोषी श्री अब्दुल समित तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर कानपुर नगर को आदरणीय सदन में उपस्थित होने के आदेश निर्गत किए गए थे। मार्शल विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समक्ष दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्माननीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन धरना जुलूस का आयोजन किया, और वो जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज़ भी किया, अपमानित भी किया, और उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया, और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया, और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को
जो निर्णय लिया उसमें छह अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति में समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में उन लोगों को दंडित किया जाए, जैसी कि व्यवस्था है उसमें सुन लिया जाए। कम से कम इनको अपने बारे में सजा के लिए क्या कहना है। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो जनता के हितों के लिए ही बराबर जब सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर, जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करके ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हो सके और जनहित के किसी काम के लिए जब कोई शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहाँ जा रहे हैं तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया मान्यवर वो अपने आप में अशोभनीय भी है, निंदनीय भी है और सजा योग भी है। इसलिए मान्यवर आपने यहाँ पर यह व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है, आपको भी कन्विक्शन के रूप के अंतराल पर वो सॉरी कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समित, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूँ कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समित। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूँ। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियाँ हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समित जी की बात आ गई, बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए बोलिए बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा कर दे और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायक गण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समित के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफ़ी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था,
कि एक 4 लाख 5 लाख 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज़ करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो ज़रूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो चाहे उसके बाद 89 हो, इसके बीच में भी एक दो प्रकरण ऐसे आए, लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्था व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये प्रस्ताव करूँगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार अपने, इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है, हम सबको मालूम है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार प्रविधानित किए गए हैं। यह एक सत्यापित सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इस मामलों में अंतिम होता है। हम सबको यह एहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।